हेलो एवरीवन, मैं अब आज आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ सैमसंग के वॉशिंग मशीन में आप खुद कोई भी प्रॉब्लम को कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं और घर पर ही आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्विस सेंटर के जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे खुद ही ट्रबल शूट कर सकते हैं आप सैमसंग वॉशिंग मशीन को। तो ये जो हमारे पास वॉशिंग मशीन देख रहे हैं, ये हमारा टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, तो ये देख सकते हैं। सो आज मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ कि इसको आप कैसे ट्रबल शूट करें। तो जब भी आप वॉशिंग मशीन स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले ना आपको कुछ एरर दिखा देता है, तो उस एरर को हम कैसे ट्रबल शूट करें मैं वही दिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इस वॉशिंग मशीन को मैं स्टार्ट कर लेता हूं, तो स्टार्ट कर लेता हूं मैं इसे। अभी यहां पे देख रहे हैं नॉर्मल मोड है, नॉर्मल मोड में मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैंने साइकिल सेलेक्ट कर लिया है और इसे मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है आपका स्टार्ट हो रहा है, वेट सेंस कर रहा है ये। तो इसी टाइम में अगर आपका वॉशिंग मशीन में कुछ एरर कोड आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा या ऑपरेट नहीं हो रहा, तो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि आप कैसे इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको ना एक एरर कोड दिख रहा है, आप देख रहे हैं ये जो एरर कोड है ये है DC। तो आप इस एरर कोड को, आपको मे भी पता नहीं होगा कि इस एरर कोड का मतलब क्या है, तो इस एरर कोड को आप कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं इस यही मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको यूज़ करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये जो है आपका एप्लीकेशन सैमसंग स्मार्ट वॉशर एंड ड्रायर, इसे क्या करनी है आपको ओपन कर लेनी है। तो ये देखा आपने, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में आपको स्मार्ट कंट्रोल ऑप्शन दिख रहा है, स्मार्ट चेक दिख रहा है, आपको स्मार्ट चेक पे जाएं और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्मार्ट चेक एंड चेक हिस्ट्री, आपको क्या करनी है स्मार्ट चेक के ऊपर जाएँ, इसको नेक्स्ट कर लें आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको दिखा रहा है स्कैनिंग का, इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वॉशिंग मशीन पे रिंस और स्पिन बटन को, ये जो दो बटन है इसको स्मार्ट चेक यूज़ करने के लिए आपको इसको प्रेस करके रखनी है 7 सेकेंड। तो जैसा कि आपने देखा आपका ये प्रोसेस हो गया और आपके डिजिटल डिस्प्ले पे एक एरर कोड डिस्प्ले कर रहा है, इस कोड को हमें क्या करनी है, इस फ़ोन से हमें स्कैन कर लेनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कोड है आपके फ़ोन पे आ चुका है, राइट। सो इसको हमें क्या करनी, ओके करनी है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है क्या कि प्रॉब्लम फाउंड व्हेन ओपनिंग द डोर, सो डोर ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने डोर ओपन किया हुआ है, राइट। तो इसके वजह से आपका ये जो है एरर कोड दिखाई दे रहा है। सो इसका डायग्नोसिस क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या है, सो इसको क्या करनी है, जो डोर ओपन है इसको आप डोर क्लोज़ कर दें और वापस से आप इस मशीन को आप स्टार्ट कर दें। तो ये जो था आपका ट्रबल शूट करने का बहुत ही इजी मेथड था यहाँ पे। जैसे आपने प्रैक्टिस करना डिफ़िकल्ट हो रहा हो, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पर ना आपको सर्विस सेंटर का भी डिटेल्स दिया गया है जहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सर्विस सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको क्या करेगा, सर्विस सेंटर जो सैमसंग रजिस्टर्ड सर्विस सेंटर है उसके नंबर पे एक कॉल लग जाएगा। सो आपको नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम को सैमसंग वॉशिंग मशीन में ट्रबल शूट कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, आपको तुरंत ही सॉल्यूशन मिल जाएगी और आपको जो सर्विस के लिए अननेसेसरी पैसे खर्च करने पड़ते हैं वो आपको खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो आई बिलीव कि आपको ये जो पूरा हमने बताया स्मार्ट चेक यूज़ करने का तरीका आपको पसंद आया हो। तो थैंक यू सो मच।